परिवार तंत्र के बोझ तले दब रहा है। बुआ भतीजा मिलकर बंगाल के संसाधनों को लूट रहे हैं। आपकी सुरक्षा ये बंगाल सरकार की भी जिम्मेवारी है, भारत सरकार की भी जिम्मेवारी है। हम हमारी जिम्मेवारी पूरी तरह से निभाएंगे, ये मैं विश्वास देने आया हूं। मोदी बाबू लोगों ने संघर्ष को भेजे कमी नहीं 260% बेड़े इधर माफ़ यहाँ पे भोटे समय राजनीति हिंदुस्तान और पाकिस्तान और भोट के मिली जावे तो कौन होगा मोदी स्थान ऐ राजनीति चलते पड़े ना माफ़ यहाँ पे भाव करे भोटी दिन इधर आज क्या मीटिंग करते बोले आजे एनआरसी को तो शॉप के तारा हो आमिर बोले एनआरसी को तो मुख्य आने ना बांग्ला एनआरसी तुम्हीं तेरो एन करते पड़े ना तो आरसी का करते पड़े लोकसभा चुनाव के पहले चरण के चुनाव के साथ ही चुनाव की चर्चाएं जोरों पे हो गई है। ऐसे में युवा वोटर्स इस चुनाव को लेकर कितने उत्साहित हैं, ये जानने सनमार्ग की टीम पहुंची कासीपुर और जाने कुछ युवाओं की राय। देखिए पहली बार मेरा वोट है। देश का जो माहौल है हमेशा ये कि देश की जो इंटरनेशनल इमेज है वो आई थिंक मेरे लिए मेरे पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो मुझे नहीं लगता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हमारे अभी हैं उनके अलावा कोई अच्छा और बेहतर बना पाएंगे। अगर कोई बेहतर बना सकता है तो वो हमारे प्रधानमंत्री हैं, तो ऑब्वियसली मेरा वोट प्रधानमंत्री को ही जाएगा, नरेंद्र मोदी जी को ही जाएगा। एक्साइटेड तो मैं बहुत हूँ क्योंकि ये एक फीलिंग है कि ओके मेरा वोट, आई एम जस्ट मेकिंग अ नेशन, आई एम जस्ट कंट्रीब्यूशन समथिंग, ये बहुत एक यूफोरिकल मोमेंट है क्योंकि वो काइंड ऑफ यूथ को थोड़ा और ज़्यादा हर चीज़ में इंकरेज करते हैं और इंडस्ट्रीज भी बना रहे हैं जिससे काम भी मिल सकता है। आज से 10 साल 5 साल बाद एम्प्लॉयमेंट्स बढ़ने वाले हैं, तो उस हिसाब से उनको वोट देना चाहिए क्योंकि जो कांग्रेस ने नहीं किया था वो मोदी जी ने 5 साल के अंदर बहुत सारी चीज़ें की जो कि बहुत सही थे। ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, जैसे पहले जो गवर्नमेंट था वो 60 ईयर्स था गवर्नमेंट में, तो उन्होंने कुछ किया नहीं, किया था गवर्नमेंट भी अभी तक बोल नहीं सकते कि जो वादे किए थे सब कंप्लीट किए, बट इतना है इफ यू कंपेयर बोथ द पार्टीज ऑब्वियसली बीजेपी इज अ मच बेटर गवर्नमेंट फॉर द टाइम बीइंग, तो इस बार तो वोट उन्हीं को जाएगा, अगले बार तो पता नहीं। कोई पीएम बनने जा रहा है सो डिसीजन बहुत मेन है, सबको वोट देना चाहिए एक तरह से। तो ऐसा लग रहा है हाँ कुछ कंट्रीब्यूशन मतलब करने जा रहे हैं कि हाँ अब आगे जो देश चलाएगा 5 साल तक वो मेरे वोट पे भी डिपेंड करता है, एक वोट तो देने चाहिए हम। बहुत ही है क्योंकि फैमिली में सब टाइम देखता है कि सब इस बार हम भी जा रहे हैं। इस बार मोदी ने इतना अच्छा किया है कि उन्हीं वोट देना ज़्यादा बेटर है, बहुत अच्छा फील हो रहा है, उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया है वोट देना के लिए। चुनाव में युवा वोटर्स अपना योगदान देने के लिए काफी उत्साहित है। कैमरामैन दीपेन उपाध्याय के साथ मैं प्रीति सनमार्ग कोलकाता।